नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगले 24 घंटे में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो कि दोस्तों आपके जीवन के बारे में बड़ी ही खास बात बताने वाली हैं। दोस्तों, इन सभी की विस्तृत जानकारी हम आपको कुछ खास तरीके से देने वाले हैं। और ऐसे कौन से बड़े समाचार सुनने को मिलेंगे और कौन सी ऐसी खुशियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। दोस्तों, ईश्वर का लिखा कोई भी मिटा नहीं सकता है और ईश्वर के बिना दोस्तों एक पत्ता नहीं हिलता है, और जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। दोस्तों, आपके सबसे बड़े सपने सच होने वाले हैं। जो सपना आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में याद रखा है वह दोस्तों अब पूरा होने वाला है। दोस्तों, जिन्हें लेकर के आप कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, ऐसे बड़े सपने हैं जिन्हें सुनने के बाद में आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि इस समय आपको खुश रहने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोस्तों अब आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले कई समय से आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, लेकिन दोस्तों उस मौके पर खरे ना उतरने के कारण जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिनके कारण आपके विरोधी वर्ग के लोग आपके कामों में विघ्न बाधाएं डाल देते हैं और आपके कार्य खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको ऐसी कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके कार्य में कोई भी अड़चने ना आए और जो भगवान के आशीर्वाद से आप सभी को बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है और दोस्तों पूर्णता आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो इस समय दोस्तों कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जय माता दी के जयकारे कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। दोस्तों, आपको इसके बाद में बड़े ही शुभ स्थितियाँ प्राप्त होंगी। दोस्तों, आपको बता दें आपके सभी रिश्ते नातों में दूरियां बन रही हैं। इसी के चलते दोस्तों घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको हमेशा ही अपने घर में हंसी खुशी समय व्यतीत करना चाहिए और वातावरण भी स्वस्थ रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों प्रसन्नता का जो वातावरण होता है वह दोस्तों कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाने में काफ़ी सहायक होता है। इसके अलावा देखिए, आपकी राशि के जातक कई बार अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग सही से अपने परिवार वालों के साथ में समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, खुशी के दो पल आप अपने घर वालों के साथ में नहीं बिता पाते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ ऐसी ही खास सावधानियों के बारे में बताने वाले हैं जिसके बाद में आपका जीवन अच्छी तरह से और सुचारू रूप से चलने लगेगा। अगले 24 घंटे में कुछ बेहतर स्थितियां आपकी बन रही हैं, लेकिन दोस्तों इन चीज़ों के बारे में आपको तभी पता लगेगा जब आप भगवान के द्वारा बताई गई कुछ खास सावधानियों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय आपका स्वास्थ्य करियर की दृष्टि से संतान पक्ष की तरफ से कौन से बड़े समाचार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, व्यापार में करियर में लाभ की स्थिति बन रही है या फिर नहीं, इन सभी की खास और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस करने की गलती ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, साथ ही मैं आप सभी को बता दूँ कि जो भी माता रानी की सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रही हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय शिव शंकर। दोस्तों, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और वे आपकी रक्षा करने ज़रूर आएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण गलती के बारे में। दोस्तों, वो कौन सी पहली गलती है जो आपको भूल करके भी नहीं करनी चाहिए और आप गलती से कर बैठते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि उस गलती के कारण आपके काम में बहुत ज़्यादा रुकावटें आने लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा बाधाएं आने लगती हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस राशि के जातक सच्चे लोग होते हैं, इनमें कोई भी घटक नहीं होती है और किसी को भी लेकर इनके अंदर हीन भावना और बुराइयाँ नहीं होती हैं, कोई भी छल कपट इनके अंदर नहीं होता है। दोस्तों, बस इसी चीज़ों से ये मात खा जाते हैं और ये कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में, किसी को हानि पहुंचाने के बारे में भी या फिर किसी को नीचे दिखाने के बारे में दोस्तों गलती से भी नहीं कोशिश करते हैं। और दोस्तों, दूसरी बात में मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगी। अंत में आपको ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार माता रानी आपके ऊपर छत्र छाया करके खड़ी हुई हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी सावधानियों के बारे में। कोई भी काम यदि आप करेंगे तो उसमें रुकावट नहीं आएगी, लेकिन आपको बता दें काम करने से पहले आपको जानकारी हासिल होना ज़रूरी है।
इससे आपका काम हासिल हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। आज के दिन आप किसी भी मुश्किल या फिर अथवा निर्णय की स्थिति अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेना आपके लिए बेहतर रहने वाला है, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई भी मुश्किल आए, परेशानी आए, तो आपको निर्णय लेने से पहले किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेना आवश्यक रहेगा। दोस्तों, बिना अनुभव के कोई भी कार्य जीवन में नहीं करना चाहिए। आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों की या फिर अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना जरूर चाहिए। चीज़ों को करने से अनुभव होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी चीज़ जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक आपको उसका अनुभव तो होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिनको बिना अनुभव के करना ही करना नहीं चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले ली जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बिना अनुभव के कुछ नहीं करना चाहिए। किसी घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित कोई अनहोनी घटित हो सकती है। आपको बता दें कि कोई प्रिय व्यक्ति हो सकता है या फिर आपका कोई घनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा आपका मेलजोल बढ़ रहा हो। उसके साथ में कुछ दुर्घटना घट सकती है जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है और दोस्तों, आपको इससे दुख का अनुभव भी होगा। इस समय जो आप अपने जीवन में वर्तमान में कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, उस पर ही आपको अपना पूरा ध्यान फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि नए व्यवसाय या फिर जो भी आप नया करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी हासिल करना आवश्यक रहेगा। नौकरी में टारगेट हासिल करने के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होगी, यानी कि आपको थोड़ा ज़्यादा आत्मबल या फिर जोर लगाना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करने की भी आवश्यकता होगी। थोड़ा ज़्यादा ही उस चीज़ में आपको मन लगाना पड़ेगा, तभी वो कार्य पूर्ण तरीके से हो जाएगा। वरना दोस्तों, आपके जो बड़े अधिकारी हैं वो आपसे थोड़े नाराज़ हो सकते हैं। बात कर लेते हैं व्यर्थ के कामों से। आज आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए और केवल आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बड़ी समस्या का हल दोस्तों किसी व्यक्ति की मदद से आज आपको प्राप्त होगा और आपके मन में जो विचार गलत उत्पन्न हो रहे हैं वो थोड़े से नकारात्मक विचार हैं। कुछ अच्छे विचार भी हैं, सकारात्मक विचार भी हैं। उन पर दोस्तों आपको पुनर्चिंतित करना, यानी कि दोबारा से उसके बारे में सोच विचार करना अच्छा रहेगा। यदि नकारात्मक विचार है तो दोस्तों विचारों को जड़ से मिटाना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन आपके जीवन में जो विचार होते हैं वो थोड़े से अगर नकारात्मक हो तो जीवन दोस्तों उसी राह पर चलने लगता है। यानी कि दोस्तों जीवन में अगर लाख खुशियां हो लेकिन अगर मन ही आपका खुश नहीं रहेगा तो फिर धीरे धीरे जीवन में जो खुशियां हैं वो भी धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये करना होता है जीवन में कि अपने मन को आपको खुश रखना बहुत ज़रूरी रहेगा और अपने मन के नकारात्मक विचारों को दूर करना, अपने मन से उन्हें निकाल देना, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय हम आपको ये बता देते हैं कि जितना आपसे हो सके उतना आपको भक्ति में हो जाना चाहिए, यानी कि प्रभु की आराधना करनी है, उनकी शरण में जाना है। और आपको बता दें कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, भजन कीर्तन में जा सकते हैं, खाटू श्याम जी के भजन सुन सकते हैं। इन चीज़ों से जो मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो सब दूर हट जाते हैं और मन में एक नई किरण जागती है जिससे आपका मन और प्रफुल्लित होता है और आपके जीवन में आप खुश रहना सीख जाते हैं। मन में एक उम्मीद रहती है, आशा रहती है और जीवन में आपके जो खुशियाँ हैं उनका आप आनंद लेना सीख जाते हैं। परिवार के साथ में भी बैठिए, बातें करिए, उनके साथ में थोड़ा समय व्यतीत करिए और परिवार के लोग कितने खुश हैं, किन चीज़ों को लेकर दुखी हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप पुनः एक नई तरीके से जीवन देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी इससे और इस समय में बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है, इस कारण आपका लक्ष्य की ओर बढ़ना आपके लिए और अच्छे से संभव हो पा रहा है। अपने कार्य क्षमता और योग्यता के लिए बेहतर परिणाम आपको हासिल हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपनी बातों का और अपनी चीज़ों का बखान ना करें। अपने गुस्से पर और अपने ईगो पर काबू रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे आगे तक जाने वाले इंसान बनेंगे, यानी कि अपने जीवन में आगे तक आप कुछ पा पाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।